जिला के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने हमारे चंबा के मंडल ने जो है आज एक यहाँ पर मीटिंग रखी हुई है, क्योंकि 25 जून 1975 को जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, क्योंकि 24 जून को जो हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनके इलेक्शन को जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और 24 तारीख को जो है उनका जो कोर्ट का डिसीजन आया था उनके अगेंस्ट आया, तो उन्होंने 24 तारीख की रात को ही उन्होंने जो है बिना किसी को पूछे हुए राष्ट्रपति से मिलकर और एमरजेंसी जो डिक्लेयर कर दी। इस संदर्भ में चंबा में भी हमारे जितने लोग थे उनको भी यहाँ पर अरेस्ट किए, चाहे वो आरएसएस के आदमी थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी, जो जितने भी एक्टिविटी हमारे वर्कर थे उनको इन्होंने अरेस्ट किया। इनमें से हमारे देवदत्त जी गुप्ता जी थे, राजकुमार बैजी थे, हमारे नरेश मेहता जी थे और सुदेश शर्मा जी थे। आज इन 5 लोगों को जो है यहाँ पर हमने इनको ऑनर की है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदम जयराम ठाकुर जी ने जितने भी हमारे एमरजेंसी के दौरान जितने भी लोग जो हमारे जेलों में गए थे उनको पर मंथ जो 12,000 रुपये जो है सरकार दे रही है। और आज मैं जैसे सुबह मैं और जसवीर जी गए थे नरेश मेहता जी के पास, तो उन्होंने हमें बताया कि मैं 2 महीने जेल के अंदर रहा, 2 महीने के बाद जब हमें हमारी पेशी पड़ी जज के पास, तो जज ने कहा कि इनके पास वारंट वगैरह जो भी केस बनते कागज लाओ, चलान लाओ, तो वो मुकर गए कि सर चलान तो हमें अभी शिमला अप्लाई किया, शिमला से नहीं आया। तो उसी वक्त जज ने जो वो केस रद्द कर दिया, इनको जमानत दे दी और वो केस डिसमिस कर दिया। तो इस तरह से इतने इन्होंने जो है वो इतने इन्होंने जुल्म लोगों को एमरजेंसी के दौरान किए हैं, लोग सारे परेशान थे सर, बेवजह लोगों को घर से उठा के अंदर कर दिया, कभी कहा कि आपके रेट ज़्यादा हैं दुकानदार को बोला, कभी बोला आपके बूट के रेट ज़्यादा, आपके रेट नहीं लिखे हैं, तो ये जो सारे हिंदुस्तान में इन्होंने तहलका मचा दिया। आज जो इस संदर्भ में आज हमने लोग हमारे मंडल ने और जिला ने जो है इसकी मीटिंग रखी थी, इनको ऑनर भी किया गया, और हमारी सब लोगों से अपील है कि सारे मिलजुल कर जो है पार्टी को जो है आगे बढ़ाए।